माँ आकर अपने बेटे के बारे में बताते हुए रो रही है, अरे बेटा तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, फक्र करना चाहिए माँ को कि मेरा लाल नौजवान बच्चा है, मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरा सहारा होगा। कोई बंदा, कोई दोस्त आपको 24 आवर्स काम नहीं करता आपके लिए, आपके लिए 24 आवर्स काम करने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, ओनली योर पेरेंट्स। आपको एक्सीडेंट अगर हो गया, 40 दिन आप हॉस्पिटलाइज हैं, तो 40 दिन माँ हॉस्पिटल में आपके पलंग के बराबर बैठी रहेगी, आपके दोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ हिलेगी नहीं, माँ वहीं रहेगी। आपके हाथ भी नहीं है तो आपके पेशाब पखाना धुलाएगी माँ, ये माँ होती है। तभी तो अल्लाह ने मोहब्बत बताने के लिए मिसाल माँ की ली है कि एक माँ जितना चाहती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मैं चाहता हूँ। जो हाथ अपने माँ पे उठा रहा है, मुझे बताएं ईमान से, क्या वो हाथ जन्नत में जा सकता है बिना जले? वो हाथ जलना ही जलना है जो हाथ माँ पर उठता है, जो बाप पर उठाते हैं। अल्लाह ऐसे हाथों की हिफाजत फरमाए, ऐसे नौजवान बच्चों की हिफाजत फरमाए। उस वक्त में कैसे लाड़ों से माँ ने तुझे पाला था, कोई अंदाजा भी तो है? आप लोग बीमार थे, उम्र आपकी 2 महीने 4 महीने, मच्छरों से बचाया करती थी, छोटे छोटे मच्छरों से, मच्छर ना काट ले माँ की ये फिक्र हुआ करती थी। बाप मेहनत करके स्वेटर ले आता था, गरीब बाप, सर्दियों का जमाना आता तो मेरे लाल को स्वेटर चाहिए, उसके उसके हड्डियों में सर्दियां चले जाती है, वो खुद स्वेटर नहीं पहनता लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों को स्वेटर खरीद के ले आता है। ये मोहब्बत है वालिदैन की। लेकिन जैसा हम बड़े हो जाते हैं, दोस्त बड़े अजीज हो जाते हैं हमारे, कसम खुदा की 10-15 साल के बाद वही दोस्त से नफरत करोगे। उनमें से कई सारे दोस्त आपके दुश्मन हो जाएंगे क्योंकि वो गिबत करेंगे आपकी, आपके वीक पॉइंट्स को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। आपकी माँ शेयर नहीं करती, आपके वालिद शेयर नहीं करते। आज 10 एडमिशन हो रहे हैं तो 2 एडमिशन्स ऐसे ही है, आकर वालिदैन शिकायत कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मेरा बेटे ने मारा है मुझे। एक नौजवान कोई लड़की महाराष्ट्र से, वो वालिदैन लेकर आए यहाँ पर, और माँ रो रो कर मुझसे कहती है कि मेरी बेटी 15 साल की है, वो छुरी लेकर मुझे डराती है कि फोन अगर ना दें तो मैं खत्म कर दूंगी। ये कौन बोल रही है? ये बेटी बोल रही है भाई। किससे बोल रही है? माँ से बोल रही है, सीने पे बैठ के मार रही है, और वो माँ जूते खा रही है। और माँ माँ होती है, देखे आप अगर वो मंजर देखते तो रो पड़ते। माँ बोलती है कि मेरी बेटी इतनी अच्छी है कि फिर दूसरे दिन मुझे सॉरी बोलती है। जूते खाकर माँ खुश हो रही है कि मुझे सॉरी बोलती है मेरी बेटी, पता नहीं क्या शैतान सवार होता है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। वो मारती है ये अलग बात है, लेकिन रियलाइज बहुत जल्दी कर लेती है। ये माँ की मोहब्बत है भाई। एक दफा आपको कोई मारे दोस्त, तो आप 10 साल उससे दुश्मनी मोल लेते हैं, 10 साल तक आप तकते रहते हैं कि मेरी बारी कब आए, मैं बदला ले लूं। ये होता है कि नहीं होता ऐसा दुनिया में? बिजनेस में आपको कोई धोखा दे दे तो आप तकते रहते हैं कि मैंने भी उसे धोखा देना है। लेकिन यहां वालिदैन को आप धोखा दे, वो घर से नहीं निकालेंगे। कंपनी में एक एम्प्लॉय कोई गलत काम करता है तो उसको सैक किया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको फायर किया जाता है, होता है कि नहीं होता है? और बड़ी कोई चोरी कर दे तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज हो जाता है। ऐसे कितने गलत काम हम लोग करते हैं, क्या वालिद ने दरवाजे बंद किए? वालिद बुलाता, डांटता जरूर लेकिन घर में ही रखता है, खाने से दूर रखता है, लेकिन बाप सोने के बाद माँ फिर तुझे खाना खिलाती है। ये अंडरस्टैंडिंग देखिए, आप वालिदैन के लव को कभी आप समझ ही नहीं पाए। रोते हैं वालिदैन आकर मेरे पास, इतना रो रो कर आंख में आंसू, वो मंजर नहीं देख सकता जब माँ आकर अपने बेटे के बारे में बताते हुए रो रही है, अरे बेटा तो स्ट्रेंथ होना चाहिए, फक्र करना चाहिए माँ को कि मेरा लाल नौजवान बच्चा है, मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरा सहारा होगा। अभी माँ बूढ़े ही नहीं हुए, 40 साल उम्र है माँ की, वो 40 साल में ही परेशान है। मरना अपने आपके बाप को 60 साल में है, 40 साल में मर रहा है बाप, हरकतें देख करके। ये कब तक ऐसी जिंदगी हम लोग गुजारेंगे? क्यों अजीज लगने लगेंगे आपको दोस्त? बताएं मुझे, क्यों आपको अपने फ्रेंड्स इतने अजीज लग रहे हैं? कोई बंदा, कोई दोस्त आपको 24 आवर्स काम नहीं करता आपके लिए, आपके लिए 24 आवर्स काम करने वाले सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं, ओनली योर पेरेंट्स। आपको एक्सीडेंट अगर हो गया,
40 दिन आप हॉस्पिटलाइज हैं तो 40 दिन माँ हॉस्पिटल में आपके पलंग के बराबर बैठी रहेगी, आपके दोस्त आते जाते रहेंगे, लेकिन माँ हिलेगी नहीं, माँ वहीं रहेगी। आपके हाथ भी नहीं है तो आपके पेशाब पखाना धुलाएगी माँ, ये माँ होती है। तभी तो अल्लाह ने मोहब्बत बताने के लिए मिसाल माँ की ली है। अल्लाह ने जब मोहब्बत बताना था ना कि मैं कितना चाहता हूं तुझे, उसने मिसाल तो देना था अल्लाह सुबहानहु तआला, तो क्या मिसाल दी उन्होंने? अल्लाह ने मिसाल दी कि एक माँ जितना चाहती है ना, उससे 70 गुना ज्यादा मैं चाहता हूं। मैं तो रब को वो जानता हूं कि वो 70 गुना नहीं, 700 करोड़ गुना, 7000 करोड़ गुना, 7 लाख करोड़ गुना ज्यादा हमें चाहता है। वो तो हमें समझाने के लिए 7 करोड़ बताया। माँ की मोहब्बत कैसी होती देखिए, जानवर भी बच्चे को जब पैदा करना होता है तो वो घोंसला बना लेती है, बनाती है कि नहीं बनाती है? घोंसला, छोटे छोटे घोंसले बनाती है। उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया, बताया कि ये घोंसला ऐसा बनता है। आप मुझे जवाब दें नौजवान प्यारे बच्चों, एक माँ एक चिड़िया जब अंडे देना होता है तो वो घोंसला बनाती है, प्यारा सा घर। क्यों घोंसला बनाती है? ताकि दूसरे जानवर उस अंडों को खा ना लें। वो अंडों की हिफाजत करने के लिए इतना प्यारा सा घर बनाती है। क्या वो आर्किटेक्ट का कोई कोर्स करती है? ये अल्लाह सुबहानहु ताला की रहमत है इस दुनिया पर, जो माओं के जरिए से वो घोंसले बनाना सिखा देता है, वरना कभी घोंसला बनाने आता ही नहीं उन्हें। उसके अलावा और क्या बनाते बताओ? कुछ नहीं बनाते। ऐसे 70 गुना ज्यादा अल्लाह सुबहानहु ताला आप सबको चाहता है।